You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल जन्माष्टमी स्पेशल खरबूजे की गिरी की बर्फी। ये बर्फी हम जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस बर्फी को बनाना। इसके लिए चाहिए हमें चीनी, खरबूजे की गिरी, खोया और घी। अब हम छलनी में डालकर खरबूजे की गिरी को इस तरीके से वॉश कर लेंगे। हम इनको वॉश इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार इनमें किरकिराहट होती है और वॉश करने से वो किरकिराहट निकल जाती है। उसके बाद हम इनको कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब तक हमारे बीज रोस्ट होते हैं तब तक हम एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये हल्की सी ब्राउन होने लगी हैं। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम मावे को क्रश करके कढ़ाई में डाल देंगे और उसको हल्का सा भूनेंगे। अब हम इन बीजों को जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इनका पूरा पाउडर नहीं बनाना है, आपको इनको हल्का सा ही ग्राइंड करना है। अब हम वापस खोए की तरफ आएंगे और लो फ्लेम पर गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इस खोए में चीनी डाल देंगे और उस चीनी को आपको तब तक मिक्स करना है जब तक वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। आप इसमें चीनी की जगह बूरा भी यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं चीनी मावे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इस तरीके का ये पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें अपने ग्राइंड किए हुए बीज डाल देंगे। इस दौरान आपको फ्लेम को लो रखना है और इस पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक चलाना है। अब हम इस पेस्ट को अपनी घी से ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप देंगे। स्क्वायर शेप देने के बाद हम इसको खरबूजे की गिरी और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद हम इस प्लेट को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद इस प्लेट को फ्रिज से निकालकर हम इस बर्फी को इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं आपकी टेस्टी बीजा बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये बर्फी कैसी लगी। थैंक यू।